हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक साथ तीन ब्लाउज की कटिंग करके बताने वाले हैं, जिसे अगर एक नाप का अगर आपको तीन या चार ब्लाउज बनाना है तो आप आराम से एक साथ उसकी कटिंग कर सकती हैं। एक साथ ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वही आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत लोग होता है एक एक करके कटिंग करते हैं, जिससे हमारा टाइम तो बहुत ही ज्यादा बर्बाद होता है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही कम समय में आप एक साथ बहुत सारे ब्लाउज की कटिंग कर सकती है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है तीन अस्तर, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये ग्रे कलर का नीचे है, ऊपर साइड में आपका ब्लैक कलर का है। तीनों अस्तर को एकदम से बराबर रखना है। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच का और सीना है आपका 37 इंच का। तो हमें पैडेड ब्लाउज बनाना है, 38 इंच का चेस्ट लेंगे। तीनों ब्लाउज को एक पे एक रखना है आपको। अब ब्लाउज की नाप जो भी है आप सामने रख लीजिएगा, नाप से आपको लेना है नाप से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों अस्तर एक साथ रख लिया है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज की कटिंग करनी है। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच का, ब्लाउज की कटिंग करनी है तो ब्लाउज की लंबाई है हमारा 14 इंच का और सीना है हमारा 37 इंच का। तो हम यहाँ पे लेंगे सारे 14 ब्लाउज की लंबाई लेंगे पीछे वाले पार्ट का, और गला हमारा वोट नेक गला बनाना है तो हम लेंगे 4 इंच की गले लेंगे, आपका 3 इंच का कंधा लेंगे, टोटल हम शोल्डर लेंगे 7 इंच का। जो हमारा आर्म होल है वो हम लेंगे 6.5 इंच का, 6.5 इंच में इस लाइनिंग को लाके आपको मिला देना है। और जितना भी आपका चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है। तो हमारा 38 इंच का चेस्ट है तो यहाँ पे हम 9.5 इंच ले लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हमारी मार्जिन के लिए। तो ये हमारी मार्जिन है, ये हमारी सिलाई है। इसके बाद उठने गला की कटिंग कैसे करनी है, उठने गला का हमें छोटा ब्लाउज की छोटे गले की कटिंग करनी है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3.5 इंच का, ये भी हमें लाइन लेना है 3.5 इंच और लंबाई भी लेनी है 3.5 इंच। तो हम इस लाइन को लाके मिला देंगे यहाँ पे, एरो का शेप देते हुए इसकी शेप दे देंगे। अब आपको करनी क्या है, जो भी इस पे डिजाइन बनाना आप डिजाइन बना सकते हैं। पीछे से 3.5 इंच पे हमें प्लेट का निशान देना है। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट की कटिंग। एक साथ तीनों अस्तर को कटिंग करना है। जो भी हमारे मार्जिन है वहां से हम कटिंग कर लेंगे, और जहां से हमारी सिलाई है वहां पे हम कट का निशान लगा देंगे। और इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, फिर अस्तर को अच्छे से इसको फोल्ड करना है, ऐसे कर रखना है। अब हमें इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है, क्योंकि हमें वोटने गला ब्लाउज बनाना है। तो जो भी हमारी लाइनिंग है, तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में हमें प्रिंसेस कट बनाना है, हमें फोर टक्स ब्लाउज नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है। इसके बाद आपको सेम इसी शेप पे इसकी कटिंग कर देनी है, और याद रहे कि पीछे वाले पार्ट से हमें 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा अधिक कटिंग करनी होती है, जिसमें हमारा टक्स में चला जाता है। इसे में चौक का निशान रखते हुए पीछे वाले पार्ट को हमें 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर देनी है, और मार्जिन भी 1 इंच एक्स्ट्रा आपको रख लेना है। उसके बाद आपको पीछे वाले पार्ट में कट का निशान लगाए हैं आप, दोनों पार्ट को अलग अलग करना है। ऊपर की तरफ जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे,
तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया, तीनों एक साथ रखेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, तो तीनों ब्लाउज में हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। अब आगे पार्ट की कटिंग करनी है हमें आगे, तो हमने ले रखा था 4 इंच की गले की नाप। अब हमें एक आगे से छोटा गला बनाना है, प्रोफेशनल ब्लाउज बनाना है, तो हम ले लेंगे 3 इंच, 3 इंच पे लेंगे 4 इंच। हमें बोटने गला में बंद गला बनाना है और यहां से हम एरो का निशान देके इसकी शेप दे देंगे। एक साथ तीनों को हम कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, इसकी प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप देना है। तो यहाँ ऊपर से हम 10 इंच रखते हुए ऊपर से 9.5 इंच पे हम निशान देंगे और नीचे से आपको 4 इंच पे देना है, इन लाइन को लाके मिला देना है। अब आपको करना क्या है, आर्म होल पे हमें 5 इंच पे निशान लगाना है, इस दोनों लाइन को लाके इसकी शेप दे देनी है। अब हमें टक्स का निशान लगाना है, तो यहां से हम लेंगे 2 इंच, 2 इंच पे लेना है हमें 3 इंच और यहां पे लेंगे 5 इंच। अब इसको लाके हमें मिलाना है। ये हमारा टक्स हो गया। अब आपको यहाँ पे कटिंग कर देनी है तीनों पार्ट में। अब फिर इसी शेप को आप लाके सारे ब्लाउज में ऐसे लगा लें। इस वाले ब्लाउज में भी सेम करना है। ये हमारी हो गई तीनों पार्ट की, फ्रंट पार्ट की कटिंग। प्रिंसेस कट ब्लाउज है, 1 टक्स सिलाई करना है। इसके बाद आता है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में जैसे हमें डिजाइन देनी है उस टाइप से हम डिजाइन दे देंगे। एक एक करके तीनों पार्ट में हमें डिजाइन देना है। तो पहले एक पार्ट को निकालते हैं, जितने इंच की गला रहेगी उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे दो तीनों ब्लाउज की कटिंग हो गई। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।